हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं के विद्युत धारा चैप्टर के एक ओम के नियम पर अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ओम के नियम, एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1828 में विद्युत विभव व विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित किया, जिसे क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में विद्युत विभव या विभांतर व धारा के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये एक मैं सर्किट बना देता हूँ, यहाँ सर्किट में एक बल्ब जॉइंट कर देता हूँ, इसके साथ में यहाँ पर एक अमीटर है, फिर मैंने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, ये हमारे पास की है और इस सर्किट को मैंने कंप्लीट कर दिया है। जब मैं की को ऑन करूंगा तो इस सर्किट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये विद्युत धारा किस में जाएगी, बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव में जाएगी जब मैं की को ऑन करूंगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने इस की को ऑन कर दिया है। ऑन करने पर इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो गया है, क्योंकि बीच में एक सर्किट टूटा नहीं है, बिल्कुल सही सर्किट है, तो आराम से इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं कि इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो कितनी है, वी वोल्टेज है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यदि मैं इस बैटरी को या इस बैटरी की जो वोल्टेज वो कितना है, 20 वोल्टेज है। इस 20 वोल्टेज को इस सर्किट के साथ में मैं जॉइंट करूंगा तो ये जो बल्ब की जो लाइट होगी ये थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जो बैटरी है ये हमारे पास एक छोटी बैटरी है, क्योंकि इसके पास जो पावर है, इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो क्या है, कम है, जिस कारण सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, कम फ्लो होगा। तो मैं इसको आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, किस बैटरी को हटाकर मैं एक अच्छे या इससे अच्छे वोल्टेज की बैटरी को जॉइंट कर देता हूं, तो मैं नेक्स्ट बैटरी लगाता हूं 40 वोल्टेज की। अब जो इस के सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो पहले से ज्यादा करंट फ्लो होगा। अब ये करंट पता कैसे चलेगा, या तो हम इस एमीटर से पता लगा लेंगे, क्योंकि जो एमीटर की जो रीडिंग है इससे पता चल जाएगी, या बल्ब की जो लाइट से भी हमें क्या उस करंट का पता चल जाएगा कि बल्ब कितना लाइट दे रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। करंट ज्यादा है तो बल्ब की लाइट ज्यादा होगी, करंट कम होगा तो बल्ब की लाइट क्या होगी, कम होगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा पास क्या है, किस बैटरी को हटाकर मैं एक और अच्छे वोल्टेज की बैटरी को कनेक्ट कर देता हूं, तो मैंने 60 वोल्टेज की बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि सर्किट के अंदर और अच्छे से करंट फ्लो हो रहा है, पहले से करंट क्या रहा है, ज्यादा रहा है। तो इस प्रैक्टिकली जो सिस्टम से हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे हम इस बैटरी के या सर्किट के वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता रहता है। ये हमारे पास बात क्लियर होगी कि वोल्टेज जो इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब जो करंट है वो किस पर डिपेंड है, वोल्टेज पर डिपेंड है। बैटरी लगाएंगे तभी करंट फ्लो होगा, इसका मतलब जो करंट है वो डिपेंड किस पे करता है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या विद्युत धारा है वो किस पे डिपेंड करती है, करंट पे, या जो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे डिपेंड करेगी, विद्युत विभव या विभांतर पे डिपेंड करेगी। मीन्स जो बैटरी हमने सर्किट के साथ में कनेक्ट कर रखी है उस पे डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I, जो विद्युत विभव होता है वो विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे धारा इंक्रीज होगी, तभी समानुपाती साइन का यूज होता है। अब मैं क्या करूंगा, इस समानुपाती साइन को हटा देता हूं तो V इज इक्वल टू क्या आ जाता है, R आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध। इसे हम समानुपाती नेतांक बोलते हैं या समानुपाती नियतांक कहा जाता है। यह कांस्टेंट है, यह समानुपाती से है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलेंगे। यदि V और I इसकी बात करें, यदि V और I के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करें, V और
आई के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमें एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती के निशान में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक भौतिक राशि जो दूसरी भौतिक राशि इनके मध्य जो ग्राफ बनता है वो सीधी रेखा में बनेगा। जैसे ये हमारे पास ये आई का मान, ये वी का मान, फिर ये आई का मान, ये क्या है हमारे पास वी का मान, फिर ये आई का मान आ गया यहाँ पर और ये किसका मान है, वी का मान है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम आई के मान या जैसे जैसे हम वोल्टेज मान के इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आई का मान भी इंक्रीज होता है, इसलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जो अपने पास प्रतिरोध है जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, समानुपाती नितांक या आप समानुपाती स्थिरांक भी बोल सकते हो, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास R प्रतिरोध हो गया, ये जो अपने पास V है ये क्या है, वोल्टेज है, विद्युत विभव या आप विभांतर बोल सकते हो, जो I है ये क्या है, करंट हो गया है। ठीक है, तो जो R का जो मात्रक होगा, R मीन्स प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो क्या होता है, ओम। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं ये। ठीक है, वैसे इसका मात्रक क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखे इसका मात्रक वोल्टेज, ये अपने पास विभांतर है, विभांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और जो करंट है इसका मात्रक विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसका मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। ठीक है, तो ओम नाम क्यों दिया, वोल्ट अपॉन एम्पियर को ओम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस साइंटिस्ट ने, जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट ने इस पर प्रैक्टिकली डिस्कस की थी, इसलिए हम प्रतिरोध को जो मात्रक है उसको हम क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यह प्रतिरोध होता क्या है इस पे डिस्कस करते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है कि जब किसी भी सर्किट के अंदर हम बैटरी जॉइंट करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, तार की बात करें, किसी भी तार के अंदर हम जब या सर्किट के अंदर जब हम बैटरी जॉइंट करेंगे तो सर्किट के अंदर क्या होता रहता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या होता है कि जो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि आवेशों के अंदर या आवेशों के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ साथ में बच्चों आप लिखते भी रहो कि आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट या प्रतिबाधा को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम या वोल्ट बटे एम्पियर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, अब मैं इसकी विमा की बात करता हूं, प्रतिरोध की विमा क्या होती है। ठीक है, तो विमा ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उसके मात्र के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसका मात्र यहां पर लिख रखा है मैंने वोल्ट बटे एम्पियर, तो मैं लिख देता हूं ओम इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर। ठीक है, मात्रक से हम विमा बना सकते हैं। तो विमा के लिए हमें चार चीजों की आवश्यकता होती है, एम एल टी ए। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, ये लेंथ को, ये टाइम को, ये विद्युत धारा को। ठीक है, ये द्रव्यमान को, ये दूरी को, ये समय को, और ये एम्पियर है, विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करेगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं, वोल्ट फॉर्मूला और लगा सकते हैं, जैसे वी अपॉन आई। वोल्ट, ये हमने कल डिस्कस या लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि वोल्ट का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमारे पास क्या है, I। ठीक है, ये होता है जूल। तो इसका मैं मात्रक बना देता हूं, इसका मात्रक होगा kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, कार्य का, जूल, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। आप जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एक्स, एफ होता है न्यूटन, एक्स होता है मीटर, एफ का मात्रक होता है केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, जो एक्स है वो क्या है, मीटर, मल्टीप्लाई में, तो मीटर का केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रोकना,
तो इसी तरह हम जो कार्य है उसका मात्रक ज्ञात कर लिया है, के जी मीटर स्क्वायर अपॉन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इस कूलम, कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू ज्ञात करने के लिए हम आई के मल्टीप्लाई में टी कर देंगे तो हमारे पास क्यू आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो मैं मल्ट डिवाइड में है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये अपने पास एक और करंट है, ये अपने पास एक और एम्पियर आ गया, तो मैं यहां पर एम्पियर क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो इसको मैं साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में नीचे लिख देता हूं, के जी मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड क्यूब। ये पूरा किसके इक्वल है, ओम के इक्वल। ठीक है, अब हम इसको कैसे विमा के अंदर कनेक्ट करेंगे, देखो केजी की पावर, बच्चों जल्दी जल्दी देखो क्या है, केजी की पावर 1 है, दूरी की पावर क्या है, स्क्वायर है, एम्पियर की पावर क्या है, 2 है, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, -2। और समय है, समय की जो पावर है 3 है, क्यूब है, जैसे ही हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3। ठीक है बच्चों, तो प्रतिरोध की जो विमा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप समझ लो हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं, और इसका मात्रक देखो, वैसे तो ओम होता है लेकिन ओम से हम विमा ज्ञात नहीं कर सकते, हमें विमा ज्ञात करने के लिए इसका डीपली फॉर्मूला चाहिए, V अपॉन आई, और V को हम क्या लिखते हैं, W अपॉन क्यू। तो इस कैलकुलेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस विमा को ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिरोध की विमा क्या होगी बच्चों, के जी मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर 3। तो इस मात्रक से हम विमा ज्ञात करें, M1 L2 T -3 और A -2। ठीक है बच्चों, अपने पास प्रतिरोध के बारे में हमने नॉलेज प्राप्त किया है। आगे चलते हैं, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध का कंसेप्ट क्या है बच्चों, कि ये आवेशों के अंदर या आवेशों के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध फर्स्ट अपने पास आता है निर्भरता, नंबर 1 मेटीरियल पर, मतलब कि चालक की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति पर, कि चालक कितना अच्छा है। जैसे चांदी का जो प्रतिरोध होता है सबसे कम होता है, इसके अंदर बहुत अच्छे से करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। फिर उसके बाद में हम लोहे की बात करें तो लोहे का प्रतिरोध चांदी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो लोहे का जो प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण उसके अंदर करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। तो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। नंबर 2 हम बात करें कि जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है तार या चालक की लंबाई पर। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट पर, काट के क्षेत्रफल पर। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास मार्कर है, इसका जो अनुप्रस्थ काट देखो ये कितनी मोटाई है। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, पेन है, इसकी जो मोटाई होगी ये कितनी है, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, कि तार जितना ज्यादा मोटा होगा उस पे जो इफेक्ट होगा प्रतिरोध का वो कुछ ना कुछ होगा। तो इसके बारे में हम डीपली डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।